हेलो स्टूडेंट्स, सर्कल्स की अगर लास्ट वीडियोस वॉच ना की हो तो जरूर वॉच कर लें। उनके अंदर 11 और 12 थ्योरम्स सारी कवर्ड हैं और उन थ्योरम्स के रिजल्ट्स पे ही सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एंड एक्स्ट्रा वी विल बी केपेबल ऑफ डूइंग देम, अगर सारे वो रिजल्ट टिप्स पे होंगे तो। और चैनल सरोजा क्लासेस को तो मैंने पहले भी कहा कि जरूर सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको पूरी 9th और पूरी 10th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इसी चैनल पे ही थॉरली कवर करनी है तो आपको ये चैनल से सब कुछ सारा मटेरियल सारा स्टडी मटेरियल आपको यहीं मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर देता हूं जो एनसीईआरटी 10.5 में मार्क्ड है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चंस हैं। पहले आप देखें इसके अंदर फिगर में आपको क्या दे रखा है। ये 100 डिग्री दे रखा है, ये पूछा हुआ है। तो पहले देखे 100 डिग्री किसने सबटेंड किया। मैंने आपको बताया कि इस आर्क ने, जो मेजर आर्क है, इसके दो एंड पॉइंट तक सर्कल तक गए तो ये 100 है और इसने सेंटर पे ये सबटेंड किया है। ये एंगल सेंटर पे सबटेंड है तो कैन बी कॉल्ड इट एज POR? नो। अगर आप इसे POR लिखोगे तो एटलीस्ट मैं, अगर मेरे हाथ में आपका आंसर शीट आई तो मैं इसे जरूर डिडक्ट करूंगा। ये POR नहीं है, ये रिफ्लेक्स POR है, ये ध्यान रखना। क्योंकि परफेक्शन सिखाना मेरा टारगेट है कि हर क्वेश्चन में, हर थ्योरी में एक एक वर्ड का मीनिंग है, परफेक्शन सिखा दूं, यही मेरा टारगेट है। तो इसके अंदर हम स्टार्ट कैसे करेंगे। हम ये लिखेंगे आर्क पी आर सबटेंड्स। वी विल राइट आर्क पी आर सबटेंड्स एंगल क्यू ऑन सर्कल या रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल एंड रिफ्लेक्स पी ओ आर, रिफ्लेक्स पी ओ आर एट सेंटर। तो फिर आपको 10.8 थ्योरम में रिवाइज करवा दूं कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज अ डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, यानी ये डबल होगा। देयरफॉर रिफ्लेक्स POR मस्ट बी डबल ऑफ क्यू, और डबल ऑफ क्यू मींस डबल ऑफ 100, यानी होगा 200 डिग्री। अब आपको पता है कोई भी एंगल और अपना रिफ्लेक्स में ऐड करके 360 हो जाता है। मान लो ये एक्स है, ये बचा हुआ रिफ्लेक्स एक्स है, तो एक्स प्लस रिफ्लेक्स एक्स ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट वाइज आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बता भी दिया था। तो अगर आपके पास रिफ्लेक्स POR ये है तो इट इंप्लाइज दैट POR क्या हो जाएगा, लेस करके POR 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री इज इक्वल टू 160 डिग्री। आपने ये जज कर लिया कि ये एंगल 160 डिग्री है ये, एंड देन फिगर में OR और OP इक्वल है, देन वी विल राइट OR इज इक्वल टू OP, रीजन आएगा ईच रेडियस। एंड अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो उनके आमने सामने के दो एंगल भी इक्वल होते हैं, कॉल्ड आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। देयरफॉर बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी एंगल OPR, OPR must be equal to OPR must be equal to ORP, ORP यानी दोनों को मैं x मान लो, अगर ये x है तो ये भी आमने सामने बराबर x होगा। अब हमारे पास ये x है, ये x है, ये 160 है, तो we can use the angle sum property of triangle। लास्ट पे लिखेंगे by angle sum property of triangle x plus 160 is equal to 180 degree और 2x is equal to, तो जाके लेस करोगे 20 डिग्री और x 10 डिग्री और x फाइनली x में मत छोड़ना, ध्यान रखना, क्योंकि x हमने अज्यूम किया था। फाइनली जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी में आंसर देना चाहिए, x में नहीं छोड़ना। हमसे पूछा था व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल OPR और OPR ही x है, लास्ट पे ये जरूर लिखना। देयरफॉर OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री, हेंस द रिजल्ट। तो ये इस क्वेश्चन का छोटा क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन ही है, बट कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होगा तो कर पाओगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 ये दे रखा है, इस फिगर में मैंने मार्क कर दी, फिगर भी बना दी जस्ट टू सेव टाइम। ए सी बी मैंने मार्क कर दिया सिंगल कट से, ये 31 डिग्री दे रखा है और ए बी सी ये 69 दे रखा है। पूछा हुआ व्हाट इज डी, यानी बी डी सी पूछा हुआ क्या है। देखिए इसके अंदर हम एंगल इन सेम सेगमेंट की थ्योरम भी पता होनी चाहिए और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी पता होनी चाहिए। इसके अंदर हमें, अगर सपोज ये एंगल 69 डिग्री दे रखा है, ये 31 है, तो हम इसको पहले एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लें इस ट्रायंगल में। तो वी विल राइट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ए बी सी, तो इसके अंदर 69 डिग्री है
प्लस 31 डिग्री है प्लस एंगल ए है, तो सम होना चाहिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री। इनका सम आ रहा है 100 डिग्री, तो एंगल ए इज इक्वल टू, उधर जाके लेस करोगे तो 80 डिग्री। तो अगर आप फिर ध्यान से देखो इस आर्क बीसी में, बीसी के एंड पॉइंट्स ए तक भी गए, बीसी के एंड पॉइंट्स डी तक भी गए, दे आर कॉल्ड इन एंगल इन सेम सेगमेंट। तो वी विल राइट आर्क बीसी सबटेंड्स, सबटेंड्स एंगल ए एंड एंगल डी इन सेम सेगमेंट, इन सेम सेगमेंट। और आपको पता है रिजल्ट कि अगर सेम सेगमेंट में हो तो उनका डिग्री मेजर भी सेम होता है, देयरफॉर एंगल डी आल्सो इक्वल टू 80 डिग्री एंड हेंस द रिजल्ट। तो इन दोनों क्वेश्चन का जो कि बड़े सिंपल है, इनका प्रूफ आपको मैंने दे दिया, इसे बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट करना, ऐसे ही लिखना, सो दैट कहीं का आपके मार्क्स में कोई किसी टीचर के भी कट करने की गुंजाइश ना बचे, मार्क्स ना कट हो आपके। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और अगर अच्छी तरह समझ आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो, अपने सभी मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दो, एक अच्छा सा लाइक जरूर दे दो, और चैनल सरोजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करो, सो दैट आपको सारा सिलेबस मेरे इसी चैनल पे कवर हो जाए आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।